मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बोकारो के चास थाना क्षेत्र में आज दिन दहाड़े 40 लाख रुपए की बैंक लूट डकैतों ने कर ली है। चास के इंडियन बैंक में अपराधियों ने सुरक्षा गार्ड को घायल करने के बाद बंदूक के बल पर बैंक लूटकर पुलिस प्रशासन को दिन दहाड़े चुनौती दे दी है। बोकारो के चास थाना क्षेत्र में आज दिन दहाड़े एक बैंक डकैती की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। 3 बाइक पर सवार हथियारों से लैस 6 अपराधियों ने चास के इंडियन बैंक के गुरुद्वारा शाखा से लगभग 40 लाख रुपए लूट लिए। सभी अपराधी मास्क पहने हुए थे। अपराधी पिस्टल और देसी बम लेकर बैंक में घुसे और बैंक के सुरक्षा गार्ड के सिर पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया। उसके बाद बैंक कर्मियों को हथियारों से डराकर उन्हें कब्जे में लिया और बाथरूम में बंद कर दिया। महिला कैशियर के साथ भी मारपीट की गई और उसके बाद से लॉकर की चाबी लेकर कैश बटोरने के बाद कैश काउंटर में भी रखे कैशों को उन्होंने लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। बैंक के निजी गार्ड रामेश्वर राम के अनुसार घटना लगभग 1 बजे की है। हथियारों से लैस अपराधियों ने पिस्टल के बट से प्रहार कर सुरक्षाकर्मी को भी घायल कर दिया था। ऐसे में दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती देकर यह साबित कर दिया है अपराधियों ने कि झारखंड में कानून व्यवस्था अपराधियों के ठेंगे पर है। आज लगभग 1:15 बजे की घटना है। चास में इंडियन बैंक, जहां अभी आप लोग हैं, यहां पे 6 की संख्या में अपराधी आए थे और यहाँ के जो कर्मचारी हैं और जो कस्टमर थे उनको बंधक बना के, जो बैंक हम लोग को फिगर बता रहा है लगभग 39 लाख कुछ अमाउंट का बता रहा है, खैर ये वेरिफिकेशन की चीज़ है, 39 लाख रुपए यहाँ से लूट के ले गए हैं। 3 बाइक में आए थे, हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। ऑलरेडी वीडियो हम लोग को मिल चुका है, वीडियो रखा हुआ है यहाँ पे, हम लोग उस बेसिस पे अपना कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि शीघ्र हम लोग अपराधी और पैसे को रिकवर करें। मारपीट भी है, जो गार्ड है, प्राइवेट गार्ड है, उनके साथ मारपीट की घटना हुई है, बाकी किसी कस्टमर और कर्मचारी के साथ घटना नहीं। DVR भी ले गए? नहीं, DVR प्रयास किया था लेकिन वो अभी स्टोर्ड है, उसी से हम लोग को सारा फुटेज मिला है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बम भी मिला है? हाँ, एक बम यहाँ पे मिला है, वो रखा हुआ था साइड में, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय अपने हिसाब से करेंगे और इसमें हो सकता है कुछ लोकल या बाहर के भी ग्रुप का हाथ, तो वो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि वीडियो हमारे पास है, तो हम लोग इसको। सर, हथियार लेके थे क्या? हाँ, हथियार लेके आए थे, हथियार अब सभी के पास तो ये अभी श्योर नहीं है, बट कुछ लोग उसमें हथियार लेके आए थे जिसके कारण डरा धमका के उन्होंने लोगों को और कर्मचारी को साइड कर दिया और इस अपराध को अंजाम दिया। अन्य कर्मचारियों को भी साथ बदतमीजी की? नहीं, कोई मारपीट की कोई घटना नहीं। सभी नहीं थे, कुछ मास्क में थे और कुछ नहीं भी थे, बिना मास्क के भी थे, उनको भी हम लोग नहीं, मतलब भाई एक पहले आया, इसके बाद में आया 4-5 को कहा कि पिस्टल हुआ पूरा, हम दोनों में बासा बस लड़ाई हुआ, लास्ट में हमको बट से मार दिया, 5 को पकड़ के बस हम गिर गए। ये हमारा हथियार था सबसे। क्या था हथियार? बंदूक? बंदूक 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 ले गया? नहीं, बंदूक उड़ा कर गया। उन लोग के पास क्या हथियार था? वो शिक्षक था। शिक्षक सभी के पास? सभी के पास। टोटल कितने लोग थे? 6। कितने बजे घटना? 1:20 के बाद। 1:20? आप जब मुठभेड़ कर रहे थे, कर्मी लोग क्या कर रहे थे? कर्मी लोग काम कर रहे थे, वहाँ पर खड़ा हो गया, सबको पकड़ लिया। वो लोग पकड़ा पकड़ी नहीं किए? पकड़ पकड़ी सबको पकड़ के मार के बंद कर। अच्छा, उन लोगों को ले लिया? कहाँ पर बंद कर दिया थे? सबको बाथरूम में बंद कर दिया गया था? हमको भी बंद? आपको भी बंद कर दिया गया? कितना देर में घटना को लोग किए? 1:20 में आए थे, गए कितनी देर? हम तो बंद करके चला गया था, फिर हम लोग दरवाजा उसको तोड़े तब तक। अच्छा, सभी लोग अंदर बंद थे? सभी लोग अंदर। कितना देर बंद रहे? आधा घंटे तो ऊपर ही बंद। अपने से तोड़ के निकले? अपने आधा घंटे तो ऊपर ही बंद। उस समय हम लोग अपने तोड़ के बाहर ही। उस समय कस्टमर थे यहाँ बैंक में? कस्टमर 2-4 थे। वो लोग भाग गए? नहीं, उन लोग को बंद कर। मुखर संवाद के लिए शशिकांत की रिपोर्ट। HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने
मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।